हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो होना है बेब्लेड सीन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 16 के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। सो बिना और कोई देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड में देखा काया वर्सेस सरेगो के बैटल, जिसमें कि दोनों ही ब्लेडर्स एक दूसरे से काफी भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। और वहीं दूसरे ब्रुकलिन और बाकी सभी ब्लेडर्स इस मैच को देख रहे थे। बैटल के दौरान रेगो और काया दोनों ही अपने स्पेशल मूव्स लगातार चलते हैं, जिसकी वजह से दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी एक अननोन ब्लेड उन पर अटैक कर देता है और ब्रुकलिन और बाकी सभी ब्लेडर्स किसी अननोन शील्ड में फंस जाते हैं। और वहां पर एक शख्स आता है और रेगो उसे देखकर बोलता है तुम, और काया उसे देखता है, कहता है फाइनली अब मैं तुम्हें खत्म कर सकूंगा। अब आगे स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में काया को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, इतने में वो शख्स का चेहरा दिखाया जाता है, जिससे काया कहता है अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ डार्क होता है। और वो कहता है काय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बचा लिया था, लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। तभी काय कहता है अपना पिछली बार की तरह नहीं रहा, इस बार मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है काय, समझते क्यों नहीं, तुम्हारे इस बेकार पावर के साथ तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। सच कहूं तो मुझे कोई भी नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि मैं डार्कनेस हूं जिसका कोई अंत ही नहीं है। काय कहता है मुझे पता है कि तुम्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब चीजें बहुत ही बदल चुकी हैं। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है ठीक है काय, कोशिश करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। काया कहता तुम बेवकूफ़ हो, जो मुझे जरूर से ज़्यादा कमजोर समझ रहे हो। इतने में काया अपने ड्रॉन्जर से कहता है जाओ ड्रॉन्जर अपना जलवा दिखाओ। और काया का ब्लेड उसे हिट करना जा ही रहा होता है कि बीच में रेवा का ब्लेड आ जाता है। और रेवा कहता है हे सुनो, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, अभी हमारी बैटल ख़त्म नहीं हुई है, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी काया रेवा से कहता है हे, मेरे रास्ते से हट जाओ, हम अपनी बैटल बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे इससे अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है, तो बेहतर हुआ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी रेवा कहता है मुझे तुम दोनों के बैटल से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस बेवकूफ़ से बैटल करने से पहले तुम्हें हमारी बैटल ख़त्म करनी होगी। तभी रेवा लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है लॉर्ड ऑफ डार्क, अगर तुम दोबारा बीच में आए तो ये तुम्हें ख़त्म करे, उससे पहले मैं ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनकर लॉर्ड ऑफ डार्क को बहुत गुस्सा आता है और कहता है बेवकूफ़, तो तुमने ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसे की, खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। रेवा कहता है कोशिश करके देख लो। तभी हमें काया को दिखाया जाता है और वो अपने ब्लेड को वापस बुला लेता है। और काया कहता है तुम दोनों के बैटल में जो भी जीतेगा मैं उससे लड़ूंगा, मुझे फालतू के बैटल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम दोनों अपनी बैटल कंटिन्यू कर सकते हो और उसके बाद मेरे हाथों हारने के लिए तैयार रहना। और तभी हमें ब्रुकलिन और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर किसी अननोन शील्ड में फंसे होते हैं। इतने में जिंगा कहता है ब्रुकलिन, भला एक काया ने अपना ब्लेड वापस क्यों बुला लिया। ब्रुकलिन कहता है पता नहीं, इस शील्ड के अंदर से तो हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि पहले शायद तुम्हारा दोस्त रहेगा और उस लॉर्ड ऑफ डार्क के बीच फाइट होगी। जिंगा कहता है देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्या रहेगा उस लॉर्ड ऑफ डार्क को हरा पाएगा, क्योंकि इस वक्त रेवा ऑलरेडी काय से बैटल करने के साथ काफी पावर खो चुका है। ब्रुकलिन कहता पता नहीं कि रेवा उस लॉर्ड ऑफ डार्क को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन एक बार जरूर कहूंगा कि रेवा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है, और शायद वो इस बैटल के लिए पूरी तरह तैयार भी है। तभी क्या पीछे से कहता है रेवा उसे अकेले नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जब हम पहले लड़े थे तब उस लॉर्ड ऑफ डार्क का पावर बहुत ही ज्यादा था, जबकि उस समय उसने अपना पूरा पावर भी यूज नहीं किया था। लेकिन जितना हम रेवा को जानते हैं कि उसे कितने टफ बैटल क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता, तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी रेवा उस लॉर्ड ऑफ डार्क को किस तरह खत्म कर देगा। इतने में दोबारा सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर रेवा और लॉर्ड ऑफ डार्क की फाइट कंटिन्यू होती है। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है दिखाओ रेवा तुम्हें कितना पावर है, क्योंकि या तो अब तुम बचोगे या तो मैं। इतने में रेवा कहता है गोएल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट। और तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है डार्क लैंड क्रशिंग फैंग। और ये सुनते ही रेवा थोड़ा आराम था और कहता है क्या कहा उसने, डार्क लैंड क्रशिंग फैंग। और रेवा देखता है कि उसके ब्लेड से एक डार्क लियोन बाहर निकलता है। तभी एल ड्रैगो उस डार्क लियोन के बीच टक्कर हो जाती है, जिससे कि दोनों ही ब्लेड्स दूर जाकर गिरते हैं। तभी रेवा कहता है तो लगता है कि तुम्हें खुद इतना दम नहीं है जो दूसरों के मूव्स तुम्हें कॉपी करने पड़ रहे हैं। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है रेवा अगर मैंने अपना स्पेशल मूव यूज़ किया तो तुम कुछ ही देर में खत्म हो जाओगे, अभी इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा हूँ। तभी रेवा कहता है तुम बेवकूफ़ हो, जाओ एल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्ट हो। और इस बार रेवा का ब्लेड पूरी तरह से फायर चार्ज हो जाता है। और दोस्तों, इस बार लॉर्ड ऑफ डार्क रेवा को मूव ही कॉपी कर लेता है और कहता है डार्क ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्ट हो, और उसका ब्लेड भी डार्क फायर चार्ज हो जाता है। और इस बार जब दोनों दोनों ब्लेड से एक दूसरे टकराते हैं तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दोनों ही ब्लेड से एक बार फिर से पीछे जाकर गिरते हैं और रेवा लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है
तुम सिर्फ एक कायर हो। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, रेयुगा, ये मेरे ब्लेड की खासियत है कि वो दूसरे के मूव्स कॉपी कर सकता है, तो मैं उनका यूज तो करूंगा ही। रेयुगा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, चाहो तो पीछे हट जाओ। रेयुगा कहता है, पीछे हट जाओ से क्या मतलब, तुम्हारा हार मान लूं, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जाओ एल ड्रैगोस पर, टूट पड़ो, उसे पूरी तरह से कुचल के रख दो। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, कोई फायदा नहीं, डार्क ब्लू लाइन गेल फोर्स वॉल। और जैसे ही मूव रेयुगा ब्लेड को हिट करता है, उसके ब्लेड में हल्का सा क्रैक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रेयुगा ऑलरेडी काफी थका हुआ है कायर से बैटल करने की वजह से, और ऊपर से अलग से लॉर्ड ऑफ डार्क से बैटल करनी पड़ रही है उसे। और रेयुगा को देखकर साफ साफ पता लग रहा होता है कि उसकी हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर रेयुगा लॉर्ड ऑफ डार्क को हराएगा कैसे, और क्या कायर बैटल के बीच में इंटरफेयर करेगा या फिर उनकी बैटल को ऐसे ही कंटिन्यू रहने देगा। तो दोस्तों ऐसे पता लगेगा मल्टीवर्स के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।